हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती DSSSB, PGT, TGT, PRT एंड अदर वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं अपडेट क्या है और किस तरीके से बाकी की चीजें निकल कर आ रही है सामने। तो इस न्यूज को कवर किया है हिंदुस्तान ने 4 जून 2023, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। अब सर इसे न्यूज़पेपर में कवर किया है तो इसके हिसाब से ही सारी चीजें सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएंगी। दिल्ली में 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके नीचे की जो अपडेट है, प्रभात कुमार, नई दिल्ली। दिल्ली में 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शून्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। तो हर साल ऐसा था कि आपको दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें वेकेंट पोस्ट नहीं रहने चाहिए, कोई भी पोस्ट जो है खाली नहीं रहनी चाहिए, भर दिए जाने चाहिए। इस निर्णय का क्या अवमानना किया गया कि अवमानना की गई है, इसके लिए अभी इसे और तेजी से लागू किया जाएगा कि पूरी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट की जाए जल्द से जल्द और एक साथ आयोजित की जाएगी संयुक्त परीक्षा। DSSSB के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली सरकार नगर निगम और NDMC, तो हमें पता है कि DSSSB नगर निगम और NDMC के द्वारा ही संचालित स्कूल रहते हैं, जिनमें कि DSSSB की तरफ से एडवर्टीजमेंट रिलीज की जाती है और पूरी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट की जाती है रिक्रूटमेंट की। तो यहाँ पे लिखा है DSSSB के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली सरकार नगर निगम और NDMC द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक साथ संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर की जाएगी। तो इसमें PGT, TGT, PRT, NTT भी हो सकते हैं। अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20,557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। तो DSSSB को आग्रह पत्र भेजा जा रहा है कि पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट की जाए, एडवर्टीजमेंट से लेके रिक्रूटमेंट तक की, ज्वाइनिंग तक की। तो होप ये अपडेट आपको देखने को ऑफिशियल वेबसाइट DSSB की जल्दी मिल जाएगी। और DSSB की जो भी वैकेंसीज आती है उसमें ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि दूसरे राज्य के या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन ना कर सके, तो ये भी फिर गोल्डन चांस रहेगा, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे और गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसी कोई अपडेट आती है आप सभी को मेरे चैनल पर मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।